water. Water has always been the bone of contention since time immemorial. Ancient time में भी हमने देखा है कि Indus Valley civilization के decline का one of the reason was water. Medieval time में भी हमने देखा है कि अकबर ने जब अपनी capital फतेहपुर सीकरी से shift करी आगरा में, तो उसका भी reason था water. और अभी भी बहुत सारी countries के conflict का reason है water, जैसे कि India and China, India and Pakistan. मैं मुस्कान फ्रॉम प्रज्ञान IAS आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ जो ना कि सिर्फ आपके प्री बल्कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ IR. इंडिया फुली स्टॉप्स फ्लो ऑफ रावी वाटर टू पाकिस्तान. अभी एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने रावी रिवर पे एक डैम बनाया है, शाहपुर कांडी डैम, टू होल्ड वाटर. ये न्यूज रिपोर्ट है, हम देख रहे हैं. ये डॉक्टर जितेंद्र हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है जिन्होंने बताया कि एक डैम बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब के बॉर्डर पे पानी को रोकने के लिए पाकिस्तान में जाने से. ओके, ये डैम है, आपको पिक्चर में दिख रहा है. इसकी कैपेसिटी है 1150 क्यूसेक, जो कि यूज की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट कथुआ एंड सांभा के लैंड को इरीगेट करने के लिए. And the land is around 32,000 hectare. Okay. एक power generation project भी यहाँ पे start किया गया है, जो कि electricity generate करेगा for Punjab, जिसकी capacity है 650 megawatt. Okay. अब हम इस dam के बारे में कुछ और देख लेते हैं, इसकी location देख लेते हैं. ये है हमारी रावी river. रावी river में ये वाला border है, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड ये पंजाब, और इसकी बाउंड्री पे है ये शाहपुर कांडी डैम. शाहपुर कांडी डैम के पास ही है रंजीत सागर डैम. रंजीत सागर डैम और शाहपुर कांडी डैम एक साथ दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, लेकिन ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, ये शाहपुर कांडी वाला प्रोजेक्ट डिले हो गया था, लेकिन अब ये कम्प्लीट हो गया है. अब हम इससे रिलेटेड कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं. इस डैम से रिलेटेड हमने देखा कि ये रावी रिवर पे लोकेटेड है और ये जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब की बाउंड्री पे है. मैं बोलूंगी कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अभी बन के खत्म हुआ है जब पाकिस्तान में इतना क्राइसिस चल रहा है. ये काफी पुरानी बात है, शायद उस टाइम पे मेरी एग्जिस्टेंस भी नहीं थी. ये बात है 1995 की, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस डैम का. फिर 2016 में जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आई थी, उसने सतलुज ब्यास रावी इन तीनों रिवर पे ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया था वाटर रिसोर्सेज का फॉर इंडियन फार्मर्स. देन फाइनली इन 2018 जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब साइंड एन एग्रीमेंट टू रिज्यूम द वर्क ऑफ शाहपुर कांडी डैम, जो कि फाइनली आफ्टर 45 ईयर्स बन के तैयार हो गया. अब हम देखते हैं कि रावी रिवर की क्यों, रावी रिवर क्यों कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और रावी का पानी क्यों होल्ड करा है इंडिया ने. इसके लिए हमें देखना है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में साइन हुई थी. इंडस वाटर ट्रीटी के लिए हमें ये रिवर सिस्टम समझना होगा. इसमें हम देखते हैं कि इंडस रिवर एंड विद अदर फाइव रिवर्स सतलुज ब्यास रावी चेनाब झेलम वी कैन कॉल इट पंचनाड. तो इस रिवर सिस्टम को पूरा दो भागों में डिवाइड किया गया. रावी व्यास सतलुज कॉल्ड एज ईस्टर्न रिवर एंड चेनाब झेलम इंडस कॉल्ड एज वेस्टर्न रिवर. ईस्टर्न रिवर्स को अलोकेट किया गया इंडिया को एंड वेस्टर्न रिवर को अलोकेट किया गया पाकिस्तान को. परसेंटेज में देखते हैं हम तो 20% जो वाटर है इस इंडस बेसिन का वो जाता है इंडिया को एंड 80% गोज टू पाकिस्तान. अब हम हिस्ट्री में जाके थोड़ा डीप में देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या. 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन की गई थी विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक. इसमें हमने देखा अभी कि वेस्टर्न रिवर जो है इंडस चेनाब झेलम वो पाकिस्तान को अलोकेट की गई है, और जो ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया को अलोकेट की गई है. इसमें इस ट्रीटी को साइन किया था तब एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था, जिसमें हर कंट्री से एक उसका रिप्रेजेंटेटिव था टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. उस टाइम पे हमें परमिशन मिली थी डैम्स बनाने की, कैनाल्स बनाने की और ट्यूबवेल्स बनाने की. जब पार्टीशन के टाइम पे 1947 में जब इस वाटर सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था,
उस टाइम पे एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट ऑफ 1947 साइन किया गया था, लेकिन उसके एक्सपायर होने के बाद इंडिया ने वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। फिर 1948 में May 4th 1948 में इंटर डोमिनियन अकॉर्ड आया था, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को बोला गया था कि इंडिया वाटर सप्लाई करेगा और पाकिस्तान ईयरली पेमेंट्स करेगा। इसके आगे हम देखते हैं कि जो ईस्टर्न रिवर सिस्टम था, सतलुज ब्यास रावी, उससे इंडिया को अराउंड 33 मिलियन एकड़ फीट एनुअली वाटर मिलता था फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। और जो वेस्टर्न रिवर सिस्टम था, उसका भी इंडिया 20% ऑफ वाटर यूज कर सकता था फॉर इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पावर जनरेशन। और हम देख सकते हैं कि ये बहुत कम उन एग्रीमेंट्स में से है जो अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर्वाइव कर रहे हैं। अब हम इसके कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है वाटर सिक्योरिटी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में वाटर क्राइसिस चल रहा है, तो जब हम वाटर होल्ड कर लेंगे, वाटर स्टोर करके रखेंगे, तो इट विल बी सिक्योर फॉर अस। अब दूसरा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जब भी बात एग्रीकल्चर की आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट है इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वाटर जो रिसोर्सेज हैं वहां पे हम उनको टूरिस्ट हब बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अर्बन सिटीज की डेवलपमेंट के लिए वाटर इज द मेन सोर्स। और बहुत सारी ऐसे मेजर सिटीज हैं इंडिया में जो वाटर बॉडीज के नियर बाई सिचुएटेड हैं, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, आगरा। फिर हम देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स, दिस इज ऑब्वियस, पोर्टेबल वाटर। अब हम देखते हैं कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछ चुकी है, मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ फ्रॉम 2021 With the reference to the Indus River system of the following four rivers, three of them pour into one of them, which joins the Indus directly. Among the following, which one is such river that joins the Indus directly? Five of options are Chenab, Chenab, Ravi and Satluj. इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम पीछे मैप देख लेते हैं एक बार पूरा रिवर सिस्टम का। हम यहाँ पे देखते हैं कि झेलम रिवर है वो चेनाब से मिलके एक रिवर बनाती है, फिर यहाँ से रावी जाके उस रिवर में मिल जाती है, देन अगेन ब्यास और सतलुज मिलके एक नदी बनाती है, और ये सब मिलके यहाँ पे पंचनाड बनता है जिसको नाम दिया गया है सतलुज, और सतलुज जाके आगे यहाँ इंडस पे मिल जाती है, इसलिए द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सतलुज। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी, दंदना दंदन। ये हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट, थैंक यू। ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारी मेल आईडी, हमारी वेबसाइट, और अगर आप इस पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, प्रज्ञान आईएएस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।